बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत लाहौर ग्रुप एलडीए सिटी एक्सपर्ट से। नाज़रीन आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक नए व्लॉग के साथ, और काफ़ी दोस्त पूछ रहे थे कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे कि आप एंट्रेंस गेट के ऊपर और एलडीए सिटी लिंक रोड के ऊपर और जो फ्यूचर में एक्टिविटी होने जा रही हैं, जो जैसे प्रेस रिलीज़ आई है थोड़े दिन पहले उसमें जो खबरें आई हैं उनके बारे में आप व्लॉग बनाएं। तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि ये देख लें कि आपके सामने है कि एलडीए सिटी का जो एंट्रेंस गेट है वो तकरीबन अपने तकमील के आखिरी मराहल में है, और उसके दोनों साइड के ऊपर आप अगर देखें तो दोनों साइड के ऊपर जो रोड वगैरह थोड़ी कारपेट वगैरह इन्होंने कर दी है, और अनकरीब इंशाल्लाह ताला इसकी इनॉग्रेशन होगी, और इनॉग्रेशन के साथ इसको बकायदा तौर पे जो गच्चू मत्ता से राउंड अबाउट है एलडीए सिटी लिंक रोड है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि थोड़ा जूम करके ये डिफेंस रोड की ट्रैफिक जा रही है, और ये सीधा गज्जू मत्ता जो राउंड अबाउट है उसको जाके लिंक करता है एलडीए लिंक रोड, जो है एलडीए सिटी का जो लिंक रोड है ये वो रोड है, और ये इसके साथ बिल्कुल ये चंद फुट है जो ये थोड़ा सा रह गया है, बाकी जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लिंक हुआ पड़ा है। तो एक और मैं आपको बताता चलो, प्रेस रिलीज में बताया गया था एलडीए ने प्लान किया है कि बहुत जल्द जो हेल्थ सिटी और एजुकेशन सिटी है उसकी भी जो कमर्शियल है और उसकी जो कमर्शियल साइट्स हैं उनको पब्लिक के लिए खोला जाएगा। तो उसकी जो लोकेशन है आपको बताता चलो कि जो उसकी लोकेशन एग्जैक्टली बन रही है वो डबल सी ब्लॉक के अंदर, जो इकबाल सेक्टर के अंदर डबल सी ब्लॉक के अंदर चनाब रोड के राउंड अबाउट के बिल्कुल साथ ही जो पोर्शन है जहाँ पे मैप के ऊपर भी हाईलाइट किया गया है कि ये हेल्थ सिटी और एजुकेशन सिटी है, यहाँ पे बकायदा तौर पे वो पोर्शन है उनको खोला जाएगा। और ये मैं समझता हूँ कि गेट एंट्रेंस गेट के ओपन होने के साथ और इसको रिंग रोड और फिरोजपुर रोड के साथ मिलाने के बाद वो बहुत ही प्राइम लोकेशन की हामल वो लैंड होगी, और जो चनाब रोड के इश्यूज थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो चनाब रोड के जो पोर्शन थे जहाँ पे घर वगैरह थे वो भी डिमोलिश हो गए हैं। तो आने वाले तकरीबन कोई एक दो महीने के अंदर इंशाल्लाह ये गेट भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये फिरोजपुर रोड के साथ भी लिंक हो जाएगा, और साथ ही जो चिना सेक्टर और इकबाल सेक्टर को मिलाने वाला जो चनाब रोड है वो भी इंशाल्लाह कंप्लीशन फ़ेज़ में आ जाएगा। तो नाज़रीन ये अभी जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं जैसे जिना सेक्टर के अंदर प्लॉट्स वगैरह हैं जो पोजेशन है, और एलडीए तीन ब्लॉक्स की पोजेशन भी दे रहा है साथ में, और दूसरे जो है पोर्शन जैसे इकबाल सेक्टर के अंदर अभी भी अगर आप फाइल बाय करना चाह रहे हैं 5 मरला 10 मरला 1 कनाल तो नहायत मुनासब कीमत के ऊपर आपको फाइल्स भी मिल जाती हैं, और वो इतनी मुनासब कीमतें हैं कि आप हिसाब लगा लें कि इतनी लीज प्राइस के ऊपर एक इमेजिनेशन में भी नहीं बात आती थी, लेकिन ये है कि आजकल जिस तरह से रियल स्टेट का हाल है तो बहुत कम मुनासिब कीमत के ऊपर फाइल्स अवेलेबल हैं। तो साथ ही ये चनाब रोड है, चनाब रोड के साथ ही आगे से इसके जो रोड है वो इसी चनाब रोड को रिंग रोड के साथ काना काछा इंटरचेंज के साथ उसको भी मिला दिया जाएगा, और ये भी पूरा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी पेशरफ्त है, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा आप ख़ुद भी साइट विज़िट करें, और साइट विज़िट नहीं करना चाह रहे तो आप ख़ुद इस पे जाके मुआयना कर सकते हैं, किसी भी प्राइवेट सोसाइटी से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ पे जिना सेक्टर के अंदर जिस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन की भी सारी तनसीबात आ गई हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुशाइन चीज़ है। इंशाल्लाह अब आने वाले चंद महीनों के अंदर जो एक घर बनने वाला पोर्शन था, जो यहाँ पे घर वगैरह क्यों नहीं शुरू हुए, इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। तो नाज़रीन अभी यही बेस्ट टाइम है प्लॉट बाय करने का। अगर आप फाइल लेते हैं तो फाइल की भी बड़ी लीज प्राइजेज चल रही हैं, प्राइस जानने के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर रब्ता करें, और प्लाट की असेसमेंट बाय सेल के लिए भी रब्ता कर सकते हैं। अपने होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें, अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।